ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तरह तरह का एडवेंचर है, आराम से घूमिए, आप लोग भी आइए, थोड़ा घूमिए, बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो ये हम लोग फुल फैमिली आए हुए हैं। हम देवघर से आए हैं, बाबा धाम देवघर से आए हैं, और ये तकरीबन मेरा 5वां बार है। एक सप्ताह पहले भी आए थे, और इस बार जब मोदी जी का जो मंदिर का उद्घाटन वगैरह सब देखा था, थोड़ा अच्छा लगा, इसीलिए हमने परिवार को भी साथ लेकर के आया है यही घाट घूमने के लिए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे घूमने आया, तो कैसा लगा? आज का दिन तो बहुत खुशहाली वाला है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी भी बहुत ज़्यादा फैली है। इसके बारे में ये स्वच्छ बनाना चाहिए इसको, और बेहतरीन बनाना चाहिए। और कैसा लगा इस तरह गंदगी देखकर आपको? ये थोड़ा बुरा लग रहा है। क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये देना चाहेंगे कि स्वच्छ रखें और खुशहाली से अपना जीवन बिताएं, और आगे का माहौल भी बढ़िया से बिताएं। यही 1 जनवरी का थोड़ा सा आनंद लेने परिवार के साथ। किस पे आज राइडिंग किया आपने लोगों? मैंने ये फास्ट मोटर बाइक मोटर बोट पे मैं राइडिंग किया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और उसके बैठ के डर नहीं लगा इस तरह से? थोड़ा सा डर लगा, हमारे एज ग्रुप का कोई भी आदमी नहीं था, सब 30 के अंदर के एज के थे, मैं ही पहला था जो 54 ईयर्स में मैं राइडिंग किया। बहुत आनंद आया, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम लोग 80 घाट पे आए थे, यहाँ पे हम लोग इंजॉय करने आए थे थोड़ा, और दोस्त के साथ। क्या लगवाया आपने यहाँ पे? चंदन लगवाए हैं हम लोग। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप, या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।